ठीक है, फीस कम कर देते हैं, बस उसके लिए मिस्टर आलोक आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मिस्टर आलोक की क्यों, इसके साथ साथ और भी बाकी टीचर्स जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पढ़ाते हैं उन्हें भी निकाल देते हैं, जैसे मिस्टर राजेश भदौरिया, मिस शालिनी, क्यों? और बाकी टीचर्स, उनकी पे हाफ करनी पड़ेगी, ठीक है ना? जब स्कूल का खर्चा ही कम हो जाएगा तो हम फीस कम कर देंगे, नो प्रॉब्लम। आई होप यू लाइक द आइडिया मिस आलिया। मैम मैं नहीं हूँ, मतलब मैम मेरी तो पहले से ही सैलरी आधी अधूरी है, और आधी हो जाएगी तो बीवी तो पूरा तलाक दे देगी। मिस्टर सतरंगी, सतरंगी ना मैं, व्हाटएवर, आगरा के बेस्ट लॉयर का कांटेक्ट मैं आपको दूंगी, डोंट वरी। मैम मैंने तो पहले ही बोला था कि हिंदी मीडियम की ब्रांच के चक्कर में मत पड़िए, अब खुद ही देखिए फीस की कितनी प्रॉब्लम हो रही है। Don't get me wrong, Miss Alia. I'm not doing charity here. I'm running an institution. Ma'am, नहीं, please. आप एक बार उन parents के बारे में सोचिए, please. मैंने उन्हें promise किया है कि मैं fees में सहूलियत जरूर करवाऊंगी, ma'am. Please. Oh, तो ये इज्जत अपना promise पूरा करने की है? हाँ, है इज्जत. तुम्हें क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना, बीच में मत बोलो। मैं प्रिंसिपल मैम से बात कर रही हूँ। हाँ मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ। अरे तो क्या हुआ वाइस प्रिंसिपल? अगर तुम्हारी इज्जत है तो मेरी भी इज्जत सुन लो। फीस कम करना तो दूर की बात, जाके उन पेरेंट्स से कह दो कि अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़े तो उन्हें पूरे साल की फीस एक साथ भरनी होगी। क्या? Yes. बाकी स्कूल्स की एडमिशन फुल हो चुकी, इसलिए उन्हें अपने बच्चों को हमारे स्कूल में ही पढ़ाना होगा, और ये तभी हो सकता है अगर वो पूरी फीस एक साथ जमा करें। और जब तक फीस नहीं आएगी तब तक हिंदी मीडियम की ऑनलाइन क्लासेस बंद। नो फीस नो एजुकेशन। मैम क्लासेस बंद, लेकिन अगर पेरेंट्स फीस नहीं दे पाए तो? एडमिशन कैंसिल। तो मैम टीचर्स क्या करेंगे फिर? दूसरी नौकरी ढूंढेंगे मिस आलो। बिना फीस के ये स्कूल किसी का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। आई होप दैट्स क्लियर। डिस्पर्स। आइए पापा, देरी हो रही है। अरे आ रहा हूँ बेटी, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, चल चल चल। प्रणाम अंकल जी। कैसे हैं आप? मतलब अंकल जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब हमारा घर भी है और नौकरी भी है, मतलब हम सेटल हो गए। ये और सेटल? अरे सेटल, अब तो हम फल फूल रहे हैं, फल फूल रहे हैं। स्कूल का स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया है कि वहाँ नौकरी करने का मतलब समझ रहे हैं आप? PF, ग्रेचुटी, बोनस, ये वो। चालने जी के लिए तो हम करेंगे, पर आपके बुढ़ापे का भी सहारा बन गए ससुर जी, मतलब होने वाले। देखिए सब फटाफट हो जाए, चट मंगनी पट ब्याह।
इधर शादी उधर बच्चे, इसी बीच में कोरोना की वैक्सीन भी निकल आएगी, फिर आपको ही तो लाइन में लग के सुमित और सुमन को पिलवाना है वो वैक्सीन। सुमित और सुमन ये कौन? हम दोनों के होने वाले बच्चे। ससुर जी शालिनी जी को बस दो जोड़ी में भेज दीजिए, हमारे पास सब है। दो जोड़ी क्यों? आपके घर में अनमारी नहीं है? है, सब है। नहीं है, कुछ नहीं है, सब गया, गया सब गया, सब गया। क्या गया यार सालिम? अरे सबकी नौकरी गई, स्कूल बंद हो गया। अरे सालिम वो तो लॉकडाउन से ही बंद है। अरे लॉकडाउन की वजह से नहीं, सच में बंद हो गया। सौदामिनी मैडम ने ऑर्डर निकाला है, सबकी नौकरी गई। किसकी नौकरी? इनकी, आपकी, आपकी तो है ही नहीं। सालिम क्यों झमेला फैला रहे हो यार, 80% रिश्ता फिक्स हो गया था। अरे लेकिन सौदामिनी मैडम ने बोला है हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस बंद, और जब तक क्लासेस बंद रहेगी किसी को पैसा नहीं मिलेगा, तो सबकी नौकरी गई ना। दो जोड़ी कपड़ा है ना वो भी बैग में डालो और निकल लो, मैं बाकी सबको बता क्या था, सब सामान लपेट लो मैं। अरे सत्संगी जी, अरे सुनिए। अरे गली तू फालतू बातें करता, सोचता रहता कुछ भी, इसकी बात का टेंशन मत लीजिए, आप बस शादी की डेट फिक्स कर लीजिए। हाँ अगर मेरी बेटी से शादी के बारे में सोचना भी है तो तीन चीजें होनी चाहिए। एक, नौकरी पक्की होनी चाहिए। दो, रहने को घर होना चाहिए। और तीन, कोरोना का समय है इसलिए कोरोना से मत डरना, उससे लड़ना लेकिन मुझसे डरना। चल बेटे। अब डेट फिक्स कर लेते यार, कोरोना की तो वैक्सीन निकल आएगी पर ये जालिम की इम्पॉसिबल है। अब तक तो आप लोगों को सब कुछ पता चल ही गया होगा। अभी कहाँ पता चला आलिया जी, पता तो चलेगा जब पैसे के लिए वो किराने वाला हमें राजेश जी की जगह पे ओ भदौरिया पैसे कब देगा ये कह के बुलाएगा ना, तब असली पता चलेगा। अरे पेरेंट्स फीस नहीं भर रहे तो इसमें हमारी जॉब पे क्यों आई? अरे हमने ये हाथ पकड़ा है कि उधार मत लो, लो हम भी लेते हैं, तुम भी लो। ए राजेश मेरे 20 रुपए दे, उधार दे, चल चल। अरे जालिम एक तो हमारी फैमिली बनते बनते रह गई शालिनी जी के साथ, तुम्हें 20 रुपए की पड़ी है। अरे जीजा इसको 2000 रुपए। अब छुट्टा नहीं है, सॉरी। क्या कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं? अरे बच्चों का तो सोचिए, इस वक्त सभी स्कूलों के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके, सिर्फ हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे बचे। अब बताइए जे उनकी पिकनिक है या उनका नुकसान? लेकिन आलिया इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे बहुत कुछ कर सकते हैं। जानते हैं इस लॉकडाउन ने हम सबको क्या सिखाया है? हाँ, प्याज खत्म हो जाए तो टमाटर से छौंका लगाओ, टमाटर खत्म हो जाए तो जीरे से छौंका लगाओ। अरे यही सब सीखा हमने लॉकडाउन में, क्यों भाई सत्संगी जी? तुम तो अभी कर रहे हो, मैं तो शादी के बाद से कर रहा हूँ। अरे आप लोग छौंकन बाद में लगाइएगा। लॉकडाउन ने हमें सिखाया है कि काम करने के लिए ऑफिस और पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं, हम सब कुछ घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अरे लेकिन आलिया जी वही तो कर रहे हैं, लैपटॉप पे गेम थोड़ी खेल रहे। लेकिन वो है ना सौदामिनी जी, उन्होंने तो रोक दिया हमें, बोले नहीं अभी नहीं, बच्चों की पहले फीस आएगी उसके बाद पढ़ाएंगे। अरे वही तो, देखिए उन लोगों के लिए पढ़ाई सिर्फ बिजनेस है, लेकिन हमारे लिए पढ़ाई ड्यूटी है, और हम टीचर्स होने के नाते इस ड्यूटी से अपना मुंह नहीं फेर सकते। हम बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। वाह समझ गया, रिचार्ज सिस्टम, मतलब जितना पढ़ाएंगे उतना फीस मिलेगी टीचर को डायरेक्ट। वाह डेली टू डेली। ना ना सत्संगी जी, मेरा मतलब हम बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। फ्री में? ₹300 का हेडफोन? अरे यार इतना महंगा हेडफोन मैं कैसे खरीदूंगी? अकाउंट में मेरे पास सिर्फ ₹200 हैं। एक काम करती हूँ, सेकंड हैंड ही देख लेती हूँ। ओह गॉड, व्हाट इज दिस यार? कुछ टेंशन में लग रही हैं? क्या बात है? मुझे हेडफोन खरीदना है और ये ओटीपी ट्रांजैक्शंस, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ओह गॉड इट्स सो मच टाइम कंज्यूमिंग। कार्ड में पैसे हैं ना?
What you mean? मेरे इस कार्ड में 3 करोड़ रुपए हैं। हाँ, but कार्ड का क्या? OTP नहीं आ रहा है। I'm fed up यार। अरे हम कह रहे थे दिक्कत क्या है? तुम्हें देख के लगता तो नहीं है कि तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और समथिंग कुछ होगा, but still, do you have any credit card? गलत बात है। आपको पूछना पड़ेगा मुझसे। अरे हम गए रहे क्या? Take my card here. Now do it. 5675. पिन बाद में बताना। नहीं नहीं, अकाउंट का बैलेंस बता रहे हैं। 5675. 5675. देखिए, प्रिंसिपल मैम का जो भी फैसला, हम उनके प्रॉफिट लॉस के चक्कर में अपने बच्चों का लॉस नहीं होने दे सकते। हम बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। आप सब देंगे ना मेरा साथ? हाँ। धन्य आलिया जी, अरे आपने हमारी नौकरी बचाई है और हम अपनी बहन का साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे बताइए? देंगे देंगे आलिया जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर प्रिंसिपल मैम को पता चल गया तो क्या करेंगे? किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ये काम हम सब छुप के करेंगे, समझे तुम? है ना आलिया? हाँ। मतलब लैपटॉप पे क्लास लेंगे, वो भी सीक्रेटली? ना ना, क्लास सीक्रेट में लेंगे लेकिन लैपटॉप से नहीं। लैपटॉप स्कूल की प्रॉपर्टी है ना, हम अपने फोन के कैमरों से वीडियोस हर दिन रिकॉर्ड करेंगे। हम जो भी पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, वो लेक्चर रिकॉर्ड करके बच्चों के पेरेंट्स के मोबाइल पर भेज दिया करेंगे, फिर बच्चे देखेंगे और देखने के बाद अगर उन्हें कोई शंका, कोई डाउट हुआ तो वो हमसे मैसेज करके पूछ लिया करेंगे। क्या बात, सुपर, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। इसी बात पे अल शुक्रन, दिल खुशनाम। ये मुझे दे दो, सब्जी लानी है। घर में ही गया है, टेंशन मत। सॉरी। अरे हाँ, तारा जी यहाँ नहीं है, मैं उनको फटाफट बता के आता हूँ। ना ना, मर्चेंट ये बात तारा को तो कतई पता नहीं चलनी चाहिए। अरे तारा, सौदामिनी मैम की सबसे बड़ी चमची है। हाँ। अगर ये बात तारा को पता चल गई ना, तो समझो बात तुरंत प्रिंसिपल कैबिन तक जरूर पहुंच जाएगी। उसे नहीं बताना है। थैंक यू सो मच। वेलकम, यू आर वेरी स्वीट। एक्सक्यूज मी। यस यस, एक ना एक दिन ये लपेटा जाएंगी, इनको भी हमसे प्यार हो जाएगा। हे हे, सत्य। हाँ, 5,000 डेबिट हो गया। घबराओ मत, मैं पति हूं तुम्हारा। नहीं, मुझे लगा तारा है। ये लो, तुम्हारा लैपटॉप ठीक करवा के ले आया मैं। थैंक यू। बस थैंक यू। हाँ आलोक, बदमाशी मत करो, जाओ मुझे बहुत काम। अरे क्या काम है यार आलू? आलोक यार, तुम नहीं समझ रहे। अरे ये क्या नोट्स वोट्स बना रही हो, तो बच्चों की पढ़ाइयां भी खत्म हो गई है ना। वो क्या है ना, मैंने सब टीचर से बात कर ली है, जब तक ये स्कूल की फीस का मैटर खत्म नहीं होता तब तक हम बच्चों का लॉस नहीं होने देंगे, उनकी पढ़ाई जारी रखेंगे। मतलब? मतलब हम अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करके बच्चों की क्लास लेते रहेंगे फ्री में, ताकि उनकी पढ़ाई चलती रहे। तो सौदामिनी मैम को तो इस बारे में पता है ना? ना ना, उनसे ये सब छुपा कर करना है, क्या कह रहे हो तुम भी? पर आलिया तो गलत है ना? क्या? हाँ, अगर सौदामिनी मैम के बिना बताए हम पढ़ाएंगे बच्चों को तो ये तो चोरी हुई, पर चोरी चाहे जैसे भी चोरी तो चोरी होती है ना। देखो आलोक, माना कि हम रूल ब्रेक कर रहे हैं, पर ये मत भूलो महाभारत में
बंसी वाले ने भी रूल ब्रेक किया था। जब उनके सामने गलत हो रहा था तो सच की जीत के लिए भगवान श्री कृष्ण को भी उंगली टेढ़ी करनी पड़ी थी। हम भी वही कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। अब चाहे तुम्हें ये अच्छा लगे या ना लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चों के फ्यूचर के लिए मैं चोर बनती हूं तो मैं चोर ही सही। अरे हेलो। हाँ? एक बात का ध्यान रहे कि सौदामिनी मैम को इस सब के बारे में कुछ ना पता चले। मैं तो ध्यान रखूंगी, पर तुम ध्यान रखो, उस तारा गुजा के जैसे सब बता मत देना। वो सौदामिनी मैम की सबसे बड़ी चमची है, समझे? कहाँ रह गया? अरे राबिया जी सुनिए ना, माना नौकरी खतरे में है, पैसे कम है, लेकिन एक कबाड़ बेच के कितना कमा लेंगी आप? मैं कबाड़ बेच नहीं रही हूँ। अरे वो टीचर्स का लेक्चर शूट करना है ना, तो इसलिए मैं वो ढूंढ रही हूँ। वो होता है ना जिसपे ऐसे फोन टिका होता है। मेरा फोन तो आजकल EMI पे टिका होता है। अरे वो होता है ना, वो तीन टांगों वाला। थांगे? अरे थांगे तो कितने साल पहले बंद हो गए। तुम ना मेरा दिमाग खराब करना बंद करो, समझे? अरे मर्चेंट वो होता है ना जिसपे ऐसे हम कैमरा रखते हैं, तीन टांगों वाला। ओहो, ट्राइपॉड, ट्राइपॉड, ट्राइपॉड ढूंढ रही हैं आप? ट्राइपॉड वही। अरे तो उसमें क्या टेंशन है, आलोक के पास होगा ना, मैं अभी जाके ले आता हूँ। ना 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 ना, मत जाना। क्यों? इधर आओ। उधर तारा है, तारा, उससे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, ओके? अरे राबिया जी आप भी ना, तारा भाभी तो कितनी नेक दिल महिला है, भला उनसे हमें क्या टेंशन? तारा भाभी नेक दिल? तुम ना ज्यादा उसके भक्त मत बनो, समझे? मुझे ट्राइपॉड ढूंढने में मदद करो, चलो। बीबी, अरे लगी तूने? नहीं नहीं ठीक है। पर उधर से किधर से आ रहे हो? मैं वो नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे टहल रहा था ऐसे। आलिया के कमरे से आ रहे हो? नहीं, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई आलिया से, कुछ भी नहीं। हाँ पर मैंने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ कि मैं आलिया के कमरे में था, ताकि तुम्हें अगला सवाल पूछो तो मैं पहले ही बता दूँ। क्या बात है, मेरा बेबी तो एकदम एडवांस चल रहा है। तुम पानी पियोगी? बहुत गर्मी हो रही है ना, वेरी हॉट, ओह माय गॉड। आलिया की बच्ची है ना, कुछ तो बोला है इसे, तुम उसे छिपा रहा है। अरे क्या, अरे क्या? ये क्या राबिया जी, आप तारा भाभी का नाम आते ऐसे हमें डांटने लग जाती है, हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है। और एक बात बताइए, हमें नौकरी किसने दिलवाई? उन्होंने ही दिलवाई ना। तो ठीक है ना, जब नेक्स्ट टाइम मिले तो 100-200 की आरती उतार लेना तुम उसकी। लेकिन उसे गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग ऐसे ऑनलाइन क्लासेस की प्लानिंग कर रहे हैं, समझे? अरे अल्लाह, उसे पता चल गया ना तो मिल गया। अरे 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 अरे, कौन से मोहनजोदड़ो के जमाने का है ये? सुनना मर्चेंट, तुम जरा इसे बाहर जाके साफ कर दोगे प्लीज? मर्चेंट जी, हाँ मतलब कैसे, सब ठीक है? मैं ठीक हूँ तारा जी, आप कैसी हैं? ट्राइपॉड देखा मैंने। ट्राइपॉड तो नहीं है, कहाँ है ट्राइपॉड? नहीं, पीछे नहीं है, ना? नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ ओ, हाँ ये, हाँ ट्राइपॉड। ट्राइपॉड का क्या काम पड़ गया आपको? उसे गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग ऐसे ऑनलाइन क्लासेस की प्लानिंग कर रहे हैं, समझे? फंस गया यार मर्चेंट जाल में। जाल में मतलब? जाल, जा, जाले,
जाले, हाँ तारा जी इससे मकड़ी के जाले दरअसल साफ करता हूँ मैं, अब कोई वीडियो वीडियो थोड़ी ना बनाते हैं। कुछ तो ये छुपा रहा है, पक्का कोई खिचड़ी पक रही है। It's very sad, merchant जी। I mean, आप अपने हैं और मुझसे बातें छुपा रहे हैं और मुझे गैरों से चीजें मालूम पड़ रही हैं। मतलब आपको सब पता है? आपने सब सुन लिया? Of course. You know what? मैं आपको अपना भाई मानती हुई आई हूँ और आपके लिए मैंने पर्सनली प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट की कि वो आपको नौकरी पे रखें, और आप मुझसे बात छिपाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। इट इज सो अपसेटिंग। नहीं तारा जी प्लीज, आप देखिए ऐसे मत कहिए। अब आई एम रियली सॉरी तारा जी, लेकिन आपको तो पता है मेरे ऊपर कितना स्ट्रेस रहता है। सब एक साथ मिलके प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं और सबने मिलके बोला था कि तारा जी को कुछ मत बताना, और आपको पता है ना मुझे स्ट्रेस होता है ना, मेरे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तारा जी आई एम सॉरी यार। मैं जी रिलैक्स, मैं समझ गई, पर अब जब सारी बातें मुझे खुद ही पता है और आपने भी इतना सब कुछ बता दिया है तो बाकी की बातें भी बोल ही दीजिए, अभी क्या बचा है। बिल्कुल सही कहा आपने, तो आप सुनिए, देखिए अच्छा तो ये चल रहा है फ्री में सीक्रेट क्लासेस, क्योंकि अब असली लेसन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।